एपिसोड की शुरुआत वही मेंटल असाइलम से होती है जहां पर एपिसोड 1 खत्म हुई थी। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फटाफट से पहले उसे देख ले। तो एपिसोड की शुरुआत में मेंटल असाइलम में डैनी को दिखाया जाता है जहां उसे बांध कर रखा गया था। और जब उसे होश आता है तो डॉक्टर उसे इंजेक्ट करके दोबारा से बेहोश कर देते हैं। तब हम व्यूवर्स को पता चलता है कि डैनी की मॉम प्लेन क्रैश होने से पहले ही प्लेन से बाहर चली गई थी। उसके बाद जब प्लेन क्रैश हो जाता है और जब डैनी को होश आता है तो उसे इंजन रूम में पायलट और उसके डैड की डेड बॉडी मिलती है। और जब वो वहाँ से निकल रहा था तो उसे वहाँ पर उसका आईपैड मिल जाता है। अब जब डैनी भी काफी इंजर्ड हो गया था तो इसीलिए वो वहीं पर फिर से बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसके सामने दो मॉन्क थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। अब प्रेजेंट के टाइम में असाइलम में डैनी को होश आ जाता है। वहाँ पर एक मेंटल पेशेंट सीमोन डॉक्टर बनकर बैठा हुआ था। डैनी को होश आते ही वो उससे अजीब तरह से बात करके उसका गला दबाने लगता है। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ आकर उस मेंटल को वहाँ से ले जाते हैं और फिर डैनी को वापस से बेहोश कर दिया जाता है। और जब कुछ देर बाद उसे वापस से होश आता है तो वो आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहा था क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ प्लेन क्रैश होने वाली याद ही घूम रही थी। उसके आँख खोलने पर उसके सामने डॉक्टर थे जो उसके केस को स्टडी कर रहे थे। डॉक्टर के कहने पर वो उसे बताने लगता है कि कैसे उसका प्लेन क्रैश हुआ था और कैसे दो वॉरियर मॉन्क ने उसकी जान बचाई। उसकी बात सुनने के बाद डॉक्टर उसे जॉनसन नाम के आदमी का पासपोर्ट दिखाता है जिसमें डैनी की फोटो लगी थी, लेकिन डैनी के अकॉर्डिंग उसने इस पासपोर्ट को चुराया था ताकि वो अपने देश वापस आ सके। मगर डैनी की बातों पर डॉक्टर को विश्वास नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हम कॉलिन को मार्केट में देखते हैं। तभी उसके ऊपर कई लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन कॉलिन को मार्शल आर्ट आते थे इसीलिए वो सभी को डिफेट कर देती है। और बाद में हम व्यूवर्स को ये पता चलता है कि ये सभी लोग कॉलिन के ही स्टूडेंट हैं, जिसे कॉलिन ने ही इस तरह से फाइट करने को कहा था ताकि वो रियल लाइफ को सीख सके। अब कॉलिन इन सभी को उनकी गलतियाँ बताती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन वापस से डैनी पर शिफ्ट होती है जहाँ पर उसके कैबिन में वापस से सीमोन आता है और उसके पहले गलती के लिए सॉरी कहता है और उसे हॉस्पिटल दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर चलते चलते डैनी उसे बताता है कि मैं 72 घंटे में यहाँ से निकल जाऊँगा। जिसपे सीमोन उससे कहता है कि तुम्हें सच में यहाँ से जल्द ही निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो पहले तो ठीक थे लेकिन 72 घंटे के बाद पागल हो गए हैं। अब ये दोनों बातें करते हुए कैंटीन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक बंदा डैनी को परेशान करने लगता है। और जब डैनी को ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो उसे एक ही पंच मारकर ढेर कर देता है, जिसके बाद सीमोन उसे फोन बूथ के पास ले जाता है और कॉलिन को कॉल करता है और अपनी सारी सिचुएशन बताता है। बट कॉलिन को डैनी पर विश्वास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वार्ड हिरोल्ड से मिलने जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिरोल्ड ने अपने कमरे से ही डैनी पर नजर रख कर है, जिसके बाद वो वार्ड को कॉलिन से बात करने के लिए भेजता है क्योंकि हिरोल्ड को जानना था कि डैनी ने उसे क्यों कॉल किया था। अब वार्ड कॉलिन के पास डैनी की इंफॉर्मेशन लेने आता है बट कॉलिन के पास उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जिसके बाद वार्ड कॉलिन के सामने एक डील रखता है जिसमें कॉलिन को एक पेपर पर साइन करना होगा जिसपे लिखा हुआ था डैनी रैंड बताने वाले शख्स ने उस पे जानलेवा हमला किया था और इसके बदले में कॉलिन को मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। कॉलिन इस डील के बारे में सोचने के लिए वार्ड से कुछ टाइम मांगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डैनी को रैंड इंटरप्राइजेज का एक एडवर्टाइजमेंट क्लिप दिखाता है जिसमें डैनी के पेरेंट्स और पूरी म्यूचुअल फैमिली थी। डैनी क्लिप देखकर डॉक्टर से कहता है कि इस एडवर्टाइजमेंट के टाइम मेरा मूड काफी खराब था तो उसके डैड उसे सबके साथ मेले में लेकर गए थे, जिसके बाद उसने इस एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग की थी। पर डॉक्टर को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, जिस पर डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके कंप्यूटर स्क्रीन को तोड़कर ऑफिस में तबाही मचाना शुरू कर देता है। ये सब हेरोल्ड अपने घर पर बैठा देख रहा था। अब उसे डैनी की बातों पर भरोसा होने लगा था, जिसके बाद वो डैनी से मिलने हॉस्पिटल आता है, लेकिन उस टाइम नर्स ने डैनी को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। हेरोल्ड डैनी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें सुनी हैं, क्योंकि मैं मर चुका हूँ इसीलिए मैं काफी सारी चीजें ध्यान से नहीं सुन सकता। इसके बाद हेरोल्ड डैनी से ऑर्डर ऑफ द
ग्रैंड मदर के बारे में पूछता है, जिस पे डैनी कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड मदर द हैंड के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब बात करें ग्रैंड द हैंड की, तो ये आतंकियों का एक पावरफुल ग्रुप है। यानी कि हेरोल्ड को कुंग लू के वॉरियर मॉन्क के बारे में पता चल गया था, जिसने डैनी को आयरन फिस्ट की पावर का सामना करने के काबिल बनाकर हैंड को खत्म करने के लिए वापस न्यूयॉर्क भेजा है। ये जानकर हेरोल्ड वापस अपने सीक्रेट कमरे में चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि हेरोल्ड को दी हैंड वाले की तरफ से एक मैसेज मिलता है। इसका मतलब हेरोल्ड भी दी हैंड का एक मेंबर है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर जॉय से उस दिन एडवर्टाइजमेंट से एक दिन पहले की बात पूछता है, जिससे डॉक्टर को पता चलता है कि डैनी सच बोल रहा है और वो सारी बात जॉय को भी बता देता है। ये सब सुनकर जॉय नेक्स्ट डे अपने एक असिस्टेंट के थ्रू एक जेम्स का पैकेट डैनी के पास भेजती है, तो डैनी उस जेम्स में से ब्राउन कलर वाले जेम्स को अलग कर देता है, जिसके बाद कॉलिन उससे मिलने आती है। कॉलिन डैनी से कहती है कि वार्ड मुझे एक झूठ बोलने के लिए $5,000 का चेक दे रहा है, जिस पे डैनी उससे वो चेक ले लेने को कहता है। लेकिन अब कॉलिन को डैनी पर भरोसा हो गया था और वो उससे कहती है कि तुम ही डैनी रैंड हो, इसलिए मैं सही का साथ दूंगी। तो डैनी उसे वो अलग की हुई जेम्स का पैकेट देता है और कहता है कि इसे जॉय को दे देना। और जब जॉय उस पैकेट में से ब्राउन कलर के जेम्स को गायब पाती है, तो वो समझ जाती है कि वही डैनी रैंड है, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही ब्राउन जेम्स को ही खाया करते थे। कॉलिन भी वार्ड की तरफ से दिए हुए चेक और पेपर को वहीं छोड़कर चली जाती है। अब जॉय के समझाने के बाद भी वार्ड को जॉय की बातों पर यकीन नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर डॉक्टर डैनी से उसके बचपन के टीचर का नाम पूछता है, तो डैनी उससे सभी टीचर्स का नाम सही सही बता देता है, जिसपे डॉक्टर कहता है कि मुझे यकीन हो गया कि तुम ही डैनी रैंड हो, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने वहाँ 15 साल तक सर्वाइव कैसे किया। जिसपे डैनी उसे कुंग लू मॉनेस्ट्री के बारे में बताता है और वो जगह दूसरे डिमेंशन में है और हर 15 साल के बाद वो रास्ता एक बार अर्थ के लिए खुलता है। उसके बाद सुनकर डॉक्टर उसे आयरन फिस्ट की पावर दिखाने को कहते हैं, बट दवाइयों के कारण डैनी पावर्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो आयरन फिस्ट का समन नहीं कर पाता। ये देखकर डॉक्टर उसे पागल समझकर वहां से चले जाते हैं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद हेरोल्ड को अब पूरा भरोसा हो गया था, इसीलिए वो वार्ड को कॉल करके डैनी को किसी और सेफ जगह भेजने को कहता है। बट वार्ड को डैनी से जलन होने लगी थी, क्योंकि अब सबका ध्यान डैनी के ऊपर चला गया था, इसीलिए वो अपने आदमियों को कॉल करके डैनी को खत्म करने को कहता है। अब रात होते ही हॉस्पिटल में कुछ लोग डैनी के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं और खूब ज्यादा मार खाने के बाद डैनी का फिस्ट ग्लो करने लगता है, क्योंकि बहुत टाइम से डैनी खुद पर कॉन्सेंट्रेट करके आयरन फिस्ट को समन करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो सभी को हॉस्पिटल की दीवार तोड़कर वहां से भाग जाता है। ये सब हेरोल्ड भी देख रहा था और डैनी की पावर्स देखकर वो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।